उस बेचारे को ये पता भी नहीं है कि उसके साथ क्या होने वाला है। शिवम दा के लिए लास्ट एडवाइस है, अभी भी टाइम है शिवम दा, अभी भी टाइम है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक नए ब्लॉग में। तो जैसे कि आप पिछले कई दिनों से देख रहे हैं शादी वाले ब्लॉगों का, और ये ब्लॉग भी शादी से रिलेटेड ही है, हमारे शिवम दा की शादी का। और जैसे कि आप मेरे कपड़ों से अंदाजा लगा रहे होंगे कि ये हल्दी के बारे में है। तो हल्दी की रस्म वहाँ पर चल रही है, तो मैं वो आपको दिखाता हूँ। जो ढोल वगैरह वहाँ बज रहा है उसकी आवाज़ यहीं तक आ रही है। आपको हल्दी लस्सी बनाना सिखाते हैं हम, तो बताएंगे कैसे करना है। बस वो हाथ कराओगे दो चार फूल दो चार फूल ऐसे ऐसे करना है। हल्दी थोड़ी थोड़ी जल्दी जल्दी जल्दी। उस बेचारे को ये पता भी नहीं है कि उसके साथ क्या होने वाला है। रजत भाई आपको याद है एक बार बच्चों ने मारा था इनने आपको? सबका बदला लेगा। एक बात सुनो, हेलो रजत, रिकॉर्डिंग है होने वाले हैं, दो दो चपेटेंगे। रिकॉर्डिंग है किसने मारा, थोड़ा सुनो मैं। अरे हेलमेट पहन लो। क्या कर रही स्टार्ट यहाँ पे बन गया है हलवा। हमें हमें नंबर वम थे लागनो शिवमदा शिवमदा खा लो शादी का हलवा। तो अब दूल्हे राजा बैठ चुके हैं मेहंदी के लिए। अब मामा जी जच रहे हो आज। हमारे मामा मामी ये इन्हीं के बेटे हैं, अगर आप नहीं पहचानते इनको तो कैसा लग रहा है आप लोगों को फिर आपके बेटे की शादी है कल? तो आवाज से तो नहीं लग रहा आपकी क्या? शादी में कैसा लगेगा आप बताओ। अब हमें नहीं पता ना, हमारे बेटे की शादी नहीं हुई ना, हमारी शादी नहीं हुई, हमें कैसे पता होगा। बेटे की शादी चल रही है तो हाँ। जो है प्रोग्राम का मजा ही कुछ और है। हमें तो अपनी शादी में कैसा लगता है नहीं पता। हम बताएंगे ना कैसा लगेगा उसमें, हम बताएंगे।
अपने भांजे की शादी में हम बताएंगे कि कैसा लगता है, कैसा लगता है। भांजा भी चक्कर में रहेगा कि यार हो गया राय। हाँ बिगाड़ दे इसको, बिगाड़ दे, ऐसे कर दे। एलेक्सा, एलेक्सा ताली, ऐसे ताली हो उसमें ताली। हाँ शाबाश, ये हाँ गुड गुड, इधर भी। मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरी लाली, कहे सखियां अब कलियां हाथों में खिलने वाली है, तेरे मन को जीवन को नई खुशियां मिलने वाली है, ओ हरियाली बनो। ले जाने तुझको भैया, आने वाले हैं सैया, सहनाई अगड़ाई। कृपया हमारे उस पे ध्यान न दे, शब्दों पे ध्यान न दे, भावों पे ध्यान दे। मेहंदी है रचने वाली, गहरी लाली, कहे सखिया हाथों में खिलने वाली है, तेरे मन को जीवन को। जब तक वो नहीं बता तब तक हमारे यहाँ से ना डोली सजा के रखना, ओ गोरी आएंगे तेरे सजना। बताओ हमारे, अच्छा खासा सोचा लाया था बीच में इन लोगों ने। हेलो मम्मी आ गए, कोई मामा आ रहा है, मामा का बेटा आ जा रहा है इधर का, मामा जी लोग। और हम लोग दो मिनट के लिए खाना खाने के आए हैं जी, ये अन्याय है ना, ये गलत है, इनने यहाँ पर झोड़ा शुरू कर दिया। ये मेरी बहन अक्कू ने मेरे हाथ में मेहंदी तो लगा दी, लेकिन इसने आज के दूल्हे दुल्हन का नाम लिख दिया है जो कल की। अब इसके बाद जब कल शादी में फिर जाना है उसका कहाँ लिखवा, दूल्हा दुल्हन का नाम नहीं लिखा, इधर इनने सिया लिखवाया था जिसका मैंने शिवम कर दिया, क्योंकि ये चाहते नहीं थे कि इनकी गर्लफ्रेंड का नाम ले दी। ये झूठ बोल रही है, मतलब आज के दूल्हा है हमारे शिवम की स्पेलिंग है भी नहीं, ऐसे
चाय भी एम है तो तुमको नहीं आती तो उसमें मैं कर सकता हूँ। देखो ये मैंने कितना पहुँच पहुँच कर तुमको सिया ले दूंगी, मिटा के बता। वाह डांस चल रहा है जबरदस्त। ओ अमातले गोर उजाड़ की ला लगाया कहानियान ओए यो अमातले गोर उजाड़ की ला लगाया या ता यो या ता यो जो काट दिया था क्या का सुनो नाम क्या का नाम नाम तुमको पता होगा ना तुमने काट दिया था आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक और कदम कनक दी खुद से अपनी मेहंदी लगाते हुए। अरे मामी ये फुफाओं की कुछ डिमांड है क्या पहले, मतलब ऐसे क्यों बैठ गए तीन के तीन। अरे अंदर मौसम तो बाहर से घूम गया क्या हुआ। अच्छा वो पुराने वाले। अरे वाह जूता छिपाई। अच्छा कलश का बेटा। गुड नाइट सभी को, कोई कहीं ना गुड नाइट। गुड नाइट।